क्या प्यारा लग रहा है भाई साहब, ये देखो क्या बढ़िया कैमरा है ना इसका, स्क्रीन काफी बढ़िया है। ये देखो भाई, काफी लोग देखने आ रहे हैं इस गाड़ी को। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, इस वीडियो में आप देख रहे हो भाई, ये आपकी नई गाड़ी, मतलब क्या सीन है भाई। दिस इज द नेक्सॉन ईवी, टॉप ऑफ द लाइन एम्पावर्ड लॉन्ग रेंज मॉडल है। तकरीबन भाई आपकी 21,12,000 रुपए करीब की कॉस्ट कर रही है इन आगरा। काफी स्पोर्टी, काफी फ्यूचरिस्टिक सी कर दिया, पूरी बात करते हैं भाई। 360 कैमरा, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, आपको उसके 9 स्पीकर, यानी कि लाइक 4 ट्विटर, 4 स्पीकर एंड 1 सबवूफर का सेट, ऊपर इलेक्ट्रिक सनरूफ। एंड अगर एक बार इंटीरियर चेक कराऊं, काफी कूल है भाई। अंदर से आपको इसके 12 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। सब चीज, मतलब पूरी बात करते हैं क्या चीज कैसे है। वेंटिलेटेड सीट वगैरह सब चीज आ रही है, पहले वो करते हो बंद। क्वालिटी मतलब काफी अच्छी मिलती है। चाबी से स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी को करते हैं एक बार लॉक। जैसे मैंने गाड़ी लॉक करी, यू सी अभी देख रहे हो, ये काफी ज्यादा कमाल का फीचर लगता है। जैसे आप इसको अनलॉक करते हो, दोबारा मैंने इसे अनलॉक करा, इसको ये बाहर की तरफ जाएगा। दिस इज द वेलकम फीचर। यही चीज आपको आगे देखने को मिलती है, यही चीज आपको बैक में देखने को मिलती है। जब आप गाड़ी को लॉक भी करते हो, अनलॉक करते हो, आगे और पीछे दोनों की तरफ आपको एक ही चीज देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स की जब मैं बात करता हूँ तो आपको भाई वो भी सब LED स्वाइपिंग देखने को मिलता है इसके अंदर पे। दिस इज द हेडलैम्प, यहाँ की बात करते हैं। एंड नीचे की तरफ आपको भाई लो बीम के लिए, आपको यहाँ लाइक हाई बीम के लिए देने को देखने को मिलता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बंपर। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट मिल रही है, दैट इज इन सम सॉर्ट ऑफ अ सिल्वर टच, सही लग रही है। नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे आएगी। एंड ये एक ईवी है आपकी, जो टाटा इसकी रेंज क्लेम कर रही है, तकरीबन 450 की कंपनी क्लेम कर रही है कि हाँ भाई 450 चलेगी। मगर प्रैक्टिकल फिगर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आई वुड से तकरीबन 330-300 के आसपास अगर रेंज दे रही है ये गाड़ी, तो दैट इज़ वेरी गुड, अच्छी रेंज होती है। मतलब अगर ईवी के हिसाब से कंपेयर करो, रेंज इज़ फाइन, सही लगती है। एक बार भाई गाड़ी का एक बार आपको इस तरफ से ड्राइवर साइड से और चेक कराता हूँ कैसी मिलती है। स्टीयरिंग वगैरह पूरी बात करेंगे, इस पर लाइट वाइट जलती है आपकी, सब चीज़ देखा हुआ मेरे। इसके यहाँ ORVM के फंक्शन यहाँ है, क्रोम के टचेस हो गए इसके, आपको नीचे स्पीकर, ऊपर ट्विटर, JBL का साउंड मिलता है। एंड जो डोर का पल्ला है, दैट इज़ डिसेंटली वेटेड, 5-स्टार रेटेड गाड़ी है। ORVM पे कैमरा देखने मिलता है। एंड अगर आप बात करते हो इंडिकेटर्स की, तो दिस इज ऑल LED सेटअप, सही लग रहा है। ठीक है, फ्रंट के अंदर क्या चीज़ है भाई, टाटा का एक लोगो आपको यहाँ देखने को मिलता है। एंड ये लोगो आपको यहाँ हो गया, यहाँ पे आपका कैमरा प्लेस है फ्रंट के अंदर। ORVM पे एक कैमरा, इस तरफ आपका एक कैमरा, पीछे कैमरा, टोटल 4 कैमरा फॉर द 360 व्यू। नीचे की बात करूँ अगर, तो रेडिएटर आपका अंदर की तरफ है लाइक फॉर द कूलिंग। एंड यहाँ पे देख रहे हो आपको एक पैटर्न मिल रहा है ना वाइट और ब्लैक के अंदर, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइक एक बॉडी कलर सा ही ट्रीटमेंट है ये। आपका कुछ एक वाइट ग्रे सिल्वर टच है इसका कलर का, मैं नाम मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। टोइंग हुक यहाँ पर है आपका, इसका इंडिकेटर देखे कितनी स्पोर्टी लगती है ना। एक बार इंडिकेटर ऑन करता हूँ गाड़ी के, तो इसे खोलते हैं भाई। एक बार इंडिकेटर्स को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप जैसे ही आते हो टच फंक्शन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके अंदर वो चीज़ मिलती है। ये देखो यार, तो दिस इज लाइक इंडिकेटर देख रहे हो, क्या कूल है, बाहर की तरफ को जा रहा है। ये स्वाइपिंग फीचर है। पीछे की एक बार बात करता हूँ, तो रियर में आप जब आते हो तो यहाँ पर भी आपको ये स्वाइपिंग देखने को मिलता है, लाइक बाहर की तरफ ही जा रहा है, डिसेंट है। पीछे भी LED, आगे भी LED, ऊपर सनरूफ मिलती है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, रूफ रेल्स आपको लग के मिलती है इसके अंदर पे। एंड भाई टाटा का लोहा, यानी कि वेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है भाई, बड़ी खूबसूरत लग रही है देखने के अंदर। तो गाड़ी के एक बार हेडलैम्प्स को मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको कैसे फील होते हैं। आप इधर आते हो एंड इधर से आपका, तो भाई ये आपका यहाँ पर पूरा देख रहा हूँ, आपको 273 करीब रेंज दिखा रही है। आपको अगर फैन को धीरे करना है तो ऐसे करके फिजिकल बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लाइक यहाँ से भी, स्क्रीन से भी कर सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। लाइट मैंने गाड़ी की ऑन करी, एक बार आ जाओ, एक बार आगे से दिखाता हूँ आपको कैसी लगती है भाई। डोर का जो वेट है ना, मुझे काफ़ी सही लगा। रिक्वेस्ट सेंसर एक ही तरफ मिलता है, उस तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिल रहा है इसके अंदर पे। नाउ यू सी, दिस इज द हेडलैम्प। यही आपका लो बी में, यही आपका हाई बी में सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। एंड जो DRL है आपका, ये यहाँ पे जल रहा है, आप देख रहे हो इंडिकेटर्स यहाँ पर। जैसे इंडिकेटर्स को मैं बंद करूँगा ना, ये भी आपका लाइक DRL पूरा जलने लगा। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, आप इधर आए एंड इंडिकेटर्स की बात करते हो, तो इंडिकेटर आपको भाई यहाँ से बंद कर दिया इंडिकेटर मैंने। अब आप देखो पूरा आपका DRL जल चुका है इसके अंदर, ये देख रहे हो कितनी अग्रेसिव लग रही है ना, बढ़िया लग रही है गाड़ी देखने के अंदर। तो गाइस मैंने आपको थोड़ा सा भी अंदर से चेक करा, एक बार रियर प्रोफाइल और चेक करते हैं गाड़ी की कैसी मिलती है, क्या चीज़ मिलती है इसके। आपको वाइपर की जो है ना, वो ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लेस देखने को मिलता है। एंड जो वॉशर फ्लूइड निकलेगा वो यहाँ से कहीं से निकलता है आपका, तो सही चीज़ लगी मुझे काफ़ी ज़्यादा। आपको इसका अगर बूट को ओपन करना है तो वी हैव इट लाइक यहाँ पर है, यहाँ से आप खोलते हो आपका बूट ऐसे करके ओपन चला जाएगा। ठीक है, ये आपका चार्जिंग वार्जिंग की किट आपको यहाँ देखने को मिलती है इसके अंदर पे। हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है। एंड एक बार इसको भी चेक कराता हूँ मैं आपको कैसा है यहाँ से खुल भाई।
तो यू सी ये आपकी केबल है, होम चार्जर आपको बेसिकली यहाँ देखने मिलता है। एंड इसके यहाँ जो भी थोड़ी बहुत चीज़ रखी हुई है जी बिल्कुल सबवूफर डिग्गी में आपका प्लेस है। लैंप आपको यहाँ देखने मिलती है, पार्सल जो मैट है आपकी जो ट्रे आ रही है वो लक के पहले से आ रही है, टायर पंचर किट आ रही है आपकी इसके अंदर पे। और भाई इसके आपको स्पेयर टायर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ टायर की पंचर की किट यहाँ पे लगी हुई मिल जा रही है, ठीक है। ये चीज़ मतलब ठीक है, डिफा वाला आपकी वहाँ पर बंद कर रहे हैं, ग्रैब हैंडल वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलता है, ऐसे करके करते हैं बंद। नेक्सॉन ईवी की ब्रांडिंग आपकी यहाँ पर है, कैमरा आपका रियर में एरा, यानी आपकी जो टेल लैम्प है इसकी काफ़ी सही लगती है। एक बार इसको भाई जैसे लॉक करूँगा ना, ये देखना यार, ये देखो ना अंदर की तरफ जाएगी पूरा लॉक करते टाइम पे। एंड जैसे हम इसको अनलॉक करते हैं, अभी दिखाता हूँ एक बार करके, और इसको जैसे आप अनलॉक करते हो तो भाई आपकी नॉर्मली अभी अनलॉक हुई, क्योंकि अभी गाड़ी का ना डोर ओपन है आपका, लाइक वहाँ पर डोर ओपन है। अभी ऊपर की तरफ बात करते हो तो वी हैव लाइक द स्पॉयलर इंटीग्रेटेड इन द डिज़ाइन, ठीक लग रहा है। वाइपर छुपाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डीप है, आप देख रहे हो काफ़ी जो डीप जा रहा है वाइपर की वजह से ही डीप कर दिया है। ब्लैक्ड आउट रूफ देखने मिलती है, 50 लाख टाटा की गाड़ियाँ पूरी हो चुकी हैं। आप डोर्स की बात करते हो, डोर के अंदर आपको ईवी की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है। इधर की बात करते हो तो वी हैव लाइक अ ग्लॉस टच आपका डोर के अंदर, लाइक पूरा जो क्लैडिंग लगी हुई है दैट इज लुकिंग डिसेंट टू मी। आपका रनिंग बोर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा ऑफर कर रही है गाड़ी आपको। टायर सेक्शन की बात करता हूँ तो MRF वॉन्डर आपको इसमें लगने को मिलता है, 5 नट हब कैप टाटा का लोगो। एंड वी हैव लाइक इसके अंदर आपको 16 इंची का आपको एलॉय देखने को मिलता है, डायमंड कट डिज़ाइन है, काफ़ी सही लग रहा है देखने के अंदर। ये मोटी मोटी बात हमने लाइक पूरी बाहर से कर ली कि आज चीज़ कैसे मिलती है। कोई बार गाड़ी का हुड ओपन करके दिखाता हूँ मैं, गाड़ी को करते हैं अनलॉक। आपको यहाँ पे भाई रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिलता है ऑन द ड्राइवर साइड। एंड नीचे की तरफ आप इधर आते हो, आप गाड़ी का हुड को ओपन करते हैं, सबका होता है हुड ओपन। आज एक बार चेक कराता हूँ हुड के अंदर क्या चीज़ है। ये जो गाड़ी आपको करीब 450 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, एंड भाई काफ़ी वजन है इसके अंदर, वेट बहुत अच्छा है। ईवी की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख पाते हो, थोड़ा सा एक बार डिटेल में समझते हैं भैया से जो टाटा के ऑफिशियल हैं कि भाई क्या चीज़ कैसे है इसके अंदर। भाई इसके आपको जो मोटर देखने मिलती है परमानेंट सिंकोरस मोटर देखने मिलती है, तकरीबन 143 BHP की पावर देती है ये गाड़ी। एंड आपको भाई करीब 215 Nm का टॉर्क ऑफर करती है। लुक्स आर वेरी गुड, बढ़िया लगती है, पूरा इलेक्ट्रिक है इसके अंदर। काफ़ी सही फीचर बताऊँ और क्या भी है, अगर आपकी कोई और इलेक्ट्रिक कार भी है उसकी बैटरी अगर ड्रेंड है तो इस गाड़ी की बैटरी से आप मतलब इसके थ्रू एक अलग से एक्सरी की केबल लेनी पड़ेगी आपको, आप उस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। ये जो इसकी LED है पूरी, जो DRL आपको दिखाया था मैंने, ये DRL अगर कम घटेगा तो बैटरी घट रही है, बढ़ेगा तो बढ़ रही है, मतलब उस तरह से पूरा स्टेटस इंडिकेटर का काम करेगा। काफ़ी सही चीज़ डाली डाटा ने इसके अंदर, अच्छी सी कवरिंग आ रही है। ईवी की ब्रांडिंग आप यहाँ देखते हो, एंड यहाँ पर कोई डैम्पिंग लग के नहीं मिलती बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रिक कार। अगर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी तो भाई कोई नीड ही नहीं होती उसके अंदर। तो बाकी यहाँ पे बैटरी प्लेस है, ऑरेंज केबल्स अगर आप अंदर देख पा रहे हो काफ़ी नीटली पैक्ड है। अंदर की तरफ आपको नीचे की तरफ लाइक अंडर बॉडी कवरिंग पूरी लग के मिल रही है इसके अंदर पे, ठीक है। एक बार और चेक कराऊँ आपको तो आप देखते हो स्वाइपिंग इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ देखने मिलती है। लॉक करता हूँ तो सिंपल सोवर से साफ है, एंड अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब ये देख लो, दिस इज अ वेलकम फीचर है, सॉलिड बढ़िया लग रही है काफ़ी ज़्यादा। एलॉय मैंने आपको एक बार दिखा दिया, कैमरा की क्वालिटी वगैरह भी अंदर बैठ के चेक करेंगे हम इसके अंदर। वी हैव द रेन सेंसर वगैरह ऊपर यहाँ पे प्लेस है पूरा। एंड ये वाइपर भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, मतलब जो रबर है काफ़ी मोटी है इसके अंदर। तो ठीक है, ये आपका जो डोर है यहाँ पे आप जैसे ही आते हो उसके आपको भाई यहाँ पे वो लग के नहीं मिल रहा, रिक्वेस्ट सेंसर एक ही तरफ मिल रहा है ओनली ऑन द ड्राइवर साइड, को ड्राइवर की तरफ रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। इस तरफ की बात करते हैं तो वी हैव लाइक की से आप इसको एयरबैग पैसेंजर को जो है ना आपका उसको आप ऑफ कर सकते हो, जो एयरबैग है उसका लेदर स्टिचिंग। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स, परफोरेटेड एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पर है, एंड गियरवेयर की पूरी अंदर बैठ के बात करेंगे। ग्लव बॉक्स को ओपन करना है तो भाई आप यहाँ पे देखते हो ये बटन जो है आपका, इसको आप प्रेस करो, सॉफ्ट ओपनिंग नीचे की तरफ खुलेगा। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स वगैरह, ट्रे व्रे सब चीज़ से चकाचक है, ठीक है। ये चीज़ बढ़िया लगती है यार, नेक्सॉन इतनी प्रीमियम कर दी। रियर की तरफ आप देखते हो सीट्स वही परफोरेटेड है, बट हाँ वेंटिलेटेड रियर में नहीं आएंगी, 2 लोग आ गए हैं, 3 लोग पीछे, टोटल 5 ही बैठ सकते हैं इसके अंदर। डोर का ट्रिम अच्छा लगा, ट्विटर एरा। JBL का स्पीकर नीचे की तरफ है आपका इसके अंदर। पल्ले करते हैं बंद, एक बार बंद। क्वालिटी बढ़िया है, क्रोम व्रोम लग के है ना तगड़ी लग रही है, फिनिश बहुत अच्छी है। यहाँ पे पन्नी को हटाऊंगा तो आपको यहाँ पियानो देखने को मिलता है, देख रहे हो ये पियानो की फिनिश है इसके अंदर पे। ऐसे करके करते हैं इसको बंद, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ देख ली, आ जाओ भाई एक बार अंदर से चेक कराता हूँ क्या चीज़ मिलती है कैसे मिलती है। एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं। डोर का जो पल्ला है आपका काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है, वुड से 80 डिग्रीज तक ओपन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट देखने मिलता है, रिक्लाइन एंगल को भी आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर पे। एंड यू सी यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज होगा उसके अंदर। सीट्स की क्वालिटी, एक ग्रे टाइप एंड एक वाइट लेदर का जो यूज़ है दैट इज़ लुकिंग डिसेंट। अम्ब्रेला होल्डर हो गया, बॉट होल्डर हो गया, यहाँ पे आपको सब चीज़ देखने मिलती है। क्रोम यहाँ पर है, एंड दीज आर फॉर द ORVM फोल्डिंग, ऑटो फोल्डिंग, वो सब चीज़ देखने मिलती है। अंदर बैठते हैं एक बार। स्टीयरिंग पे आप देखते हो आपको यहाँ पर टाटा का लोगो नहीं मिलता, बट सीन इज जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करा मैंने, एंड यहाँ पर जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा टाटा का लोगो, काफ़ी कूल टाटा मोटर्स वोटर्स लिख के आएगा पूरा आपके इसके सामने, एंड आपके जो क्लस्टर है फुल स्वाइप मारेगा आपका, सही लगता है ना। क्वालिटी इज़ वेरी गुड,
273 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है एंड यू सी स्टीयरिंग इज वेरी लाइट, आप एक उंगली से घुमा सकते हो, मतलब इतना लाइट स्टीयरिंग है गाड़ी के अंदर। टाटा का लोगो LED इल्यूमिनेटेड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको भाई टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने को मिलता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, एंड इधर आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। भाई महिंद्रा XUV 400 की जब आप बात करते हो तो ये गाड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। उसके अंदर रियर में आपको AC के वेंट्स नहीं मिलते, इसमें रियर AC वेंट मिल जाता है, इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिलता है, पर हाँ वो उसके अंदर भी आता है। एंड इसके आपके पैडल शिफ्टर्स भी भाई बता रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनीज की जो रेंज क्लेम कर रही है तकरीबन 450 की क्लेम कर रही है, बट ये गाड़ी आपको मान के चलो आप 340-330 के आसपास की रेंज इजीली दे देगी। एंड जो स्टेयरिंग है आपका, एक बार इसकी बात करता हूँ मैं, तो यूसी आपको इसका टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है एंड लाइक ओनली टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं आ रहा। इधर की बात करते हैं तो यहाँ से खोलने वोलने के लिए चीज़ है, हुड को खोलने तो हुड आपका यहाँ से ओपन होगा, मैं आपको हुड भी चेक करा दूंगा क्या चीज़ कैसा है। यहाँ पे आप देखते हो जो पूरा कंट्रोल पैनल है फॉर द AC कंट्रोल, टेम्परेचर अप एंड डाउन के लिए सिर्फ फिजिकल बटन देखने को मिलते हैं, बाकी पूरा पैनल जो आपका टच के अंदर देख रहे हो आप, दिस इज़ फॉर द इंडिकेटर्स, टच करा अपने आप चालू ऐसे करके बंद करो, मतलब काफ़ी स्लिक है। देखा एक बार बंद हो गया, AC ऑन AC ऑफ, ऑटो पर डाल दोगे यहाँ से, एंड टेम्परेचर को कम कर लो, यहाँ से घटा लो बढ़ा लो, पंखे को यहीं से धीरे कर लो फुल कर लो, जैसे चाहो मतलब ऐसे कर सकते हो, टच से भी काम कर लो या फिर यहाँ से काम कर लो आप। AC मैक्स, रियर AC, डिफॉगर एंड मैक्स क्लीन, आपका जो मतलब मैक्स AC के लिए टाटा फीचर देता है, लॉक करना है यहाँ से तो लॉक अनलॉक यहाँ से काम करता है। 360 कैमरा एक बार ऑन करता हूँ, गाड़ी का डोर अभी ओपन है, जैसे डोर को हम लगाएंगे एक बार 360 कैमरा आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, पल्ले करता हूँ बंद एंड एक बार इस वाले डोर को भी एक बार बंद कर दो, 360 कैमरा की क्वालिटी आप चेक करो, ये डोर हुआ बंद, ये देखो भाई क्वालिटी काफ़ी क्लासी है, बढ़िया, इतना क्लियर है, 12 इंच का आपको यहाँ डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो भाई मैंने रिवर्स गियर को इंगेज कराया, अब यहाँ की बात करते हैं तो लाइक साइड में भी लोग वो खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा क्वालिटी, मतलब मेरे को सही लग रही है देखने के अंदर पे। एंड एक बार बात करता हूँ इसकी सेटिंग्स के अंदर, आप यहाँ से जाते हो सेटिंग्स आपके यहाँ पे पूरा सेटिंग वेटिंग, वार्निंग लेवल कितना कितना कैसा है, यहाँ से आप इसको करते हो क्लोज, यहाँ पे आप देखते हो ये वाला आपका व्यू चेंज हुआ, यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ से करके आपका व्यू चेंज हो गया दोबारा, एंड 3D पे जाते हैं, 3D क्यों नहीं टच हो रहा भाई, ये सही चीज़ है, मतलब पार्किंग ब्रेक अप्लाइड, गाड़ी अभी पार्क में खड़ी हुई है, आपको इसको डिसंगेज करना तो भाई यहाँ पे प्रेस कर दो, कैमरा आपका हट गया। एयर क्वालिटी के लिए आपको भाई इसके यहाँ सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपका इसके यहाँ एयर प्योरीफायर भी इंस्टॉल्ड है, काफ़ी कूल है, एयर बैग की ब्रांडिंग हो रही है, एयर बैग की ब्रांडिंग हो रही है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, एंड वेंटिलेटेड सीट्स तो भाई आती हैं इसके अंदर पे, काफ़ी सही फीचर है। इधर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फीचर, यहाँ पे आपका भाई पूरा जो गियर बॉक्स है यहाँ पे प्लेस है इसके अंदर। यहाँ की बात करता हूँ, वी हैव 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको USB है, 45 वॉट का USB सी टाइप आपको उधर मिलता है। पैनल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फील है आपका स्टीयरिंग पे, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, 2-spoke है, दिस इज अ 2-spoke स्टीयरिंग व्हील, काफी कूल काफी क्लासी। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो मिलता है आपको दैट इज ऑटो डिमिंग। इधर की बात करते हैं, LED लैंप मिलता है, इधर की बात करता हूं तो वी हैव द सनरूफ दैट इज इलेक्ट्रिक सनरूफ। पैसेंजर एयर बैग को अगर आपको ऑफ करना है तो उस तरफ से आप चाबी लगाओगे, एयर बैग को ऑन ऑफ आप कर सकते हो, सनरूफ अगर और खोलते हैं तो फुल खुल गई, सदर नहीं खुलेगी, बंद करनी तो सिंगल टच में अपने आप आगे आएगी एंड ऐसे करके बंद, इट्स अ गुड साइज सनरूफ आई वुड से। हाथ से बंद करना तो मैनुअली ऐसे करके बंद कर दो, मैनुअली ऐसे करके खोल दो। स्क्रीन बहुत बड़ी लग रही है, लेदर के टचेस, सॉफ्ट टचेस, मतलब लग नहीं रहा कि हाँ भाई टाटा ने गाड़ी बनाई है। पहले शिफ्टर्स अगर आपके यहाँ पर प्लेस होगा इसके अंदर भाई आपका माइनस का है, आपका प्लस का है, एंड यू सी रियर वाइपर कंट्रोल, फ्रंट वाइपर कंट्रोल यहाँ पे आ गया आपके फॉर द वाइपर्स, लाइक ऑटोमेटिक भी देखने को मिलता है। इधर की बात करता हूँ, वी हैव द ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह, एंड आपकी मैंने लाइट ऑन करी गाड़ी की, ये देख रहे हो डिपर देना है, हाई बीम लो बीम भाई तगड़ा, ऐसे हाई बीम ये लो बीम, ये हाई बीम ये लो बीम, ठीक है, ऐसे करके करते हो आपका क्लस्टर के अंदर, मतलब मैंने क्या है अभी लाइट को करते हैं ऑफ, जैसे ही मैं लाइट को ऑन करता हूँ ना थोड़ी डिम हो जाता है लोगों, जैसे ही आपको ऑन करूँगा तो भाई अभी देखो मतलब क्या प्यारा लग रहा है ना, LED का एक काम करा हुआ है काफ़ी बढ़िया, हॉर्न बजाऊँ एक बार, हॉर्न भाई प्यारा बज रहा है, अच्छा हॉर्न है, मतलब सही लग रहा है टाटा के हॉर्न सुनने के, फील काफ़ी सही लग रहा है, 2-spoke है ना, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, कैसे भी घुमा दो उसको ऐसे करके आप, कोई टेंशन वाली फील को आप बिल्कुल नहीं होगा आपको, ऐसे करके सीधा कर लो आपका स्टीयरिंग, एक बार में सीधा हो गया। ORVM की बात करते हैं तो फोल्ड करना तो ऐसे करके नीचे करते हो ORVM आपका फोल्ड हो गया, एंड ऐसे करके आप नीचे दोबारा करते हो ORVM अनफोल्ड हो गया, इधर करते हो तो ORVM को आप एडजस्ट कर लो उधर की तरफ, इधर को करते हो लेफ्ट पर तो ऐसे कर लो भाई उसको उस तरफ, ठीक है, सिंपल सोवर हिसाब है। टियागो से लेकर सफारी वफारी कोई भी गाड़ी उठा लो टाला आपको यही ORVM के कंट्रोल देखने को मिलता है। डोर का जो पल्ला है सही लगा, पैनों के टचेस हो गए आपके यहाँ पे, बेज कलर के टचेस यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज सॉफ्ट टच मटेरियल, हार्ड नहीं है बट दिस इज अ हार्ड प्लास्टिक, यहाँ देखते हो आप ये क्रोम है आपका, यहाँ पे आपको थोड़ा रेड इंसर्ट भी देखने को मिलता है, लॉक करता हूँ ऐसे लॉक ऐसे करके अनलॉक, अभी डोर खुला हुआ है तो अनलॉक हो जाएगा। ऑटो डाउन एक मिनट, ऑटो डाउन नहीं आता क्या इसके अंदर, हाँ ऑटो डाउन आता है, एंड ऑटो ऑटो अप नहीं है सिर्फ ऑटो, अबे यार काम क्यों नहीं कर रहा, एक सेकंड देखो दोबारा कैसे कैसे हुआ, कुछ कर दीजिए एक सेकंड भैया करके दिखाएंगे, ठीक है
2 से 3 सेकंड के लिए आपको डाउन करना ऑटोमेटिक। अच्छा ठीक है ठीक है, 2 से 3 सेकंड के लिए डाउन करना है ठीक है। थोड़ा लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो आपको ऑटो डाउन, ऑटो अप भी आता है इसमें, ऑटो अप भी है, तो ऑटो अप भी एक बार भाई देख लो भैया करके दिखा देंगे, ये ऑटो अप भी काम करता है भाई, दोनों चीज देखने मिलती है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा लंबा खींच के रखोगे तुरंत काम नहीं करता लाइक, ठीक है ना, हुंडई जैसी गाड़ी में ऐसे काम नहीं करता है। बाकी चीज देखते हो, विंडो का जो एरिया डोर का साइड काफी ज्यादा बड़ा लगा, ये बिल का स्पीकर एरिया ट्विटर एरिया है आपको यहाँ पर बात करता है, इधर भी आपको स्पीकर की ग्रिल देखने मिलती है, दैट इज लाइक अ ट्विटर। यहाँ पे आप देखते हो दिस इज द एयरबैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे इधर की बात करता हूँ वी हैव अ टिकट होल्डर ओवर है, इधर की बात करते हैं वी हैव द मिरर विदाउट अ लाइट। आई वुड से भाई यहाँ पे एक लाइट होनी बनती थी बिकॉज 21 लाख रुपए की गाड़ी है भाई, ये काफी कॉस्टली है, इसमें बिल्कुल देनी चाहिए थी, वाजिब था इसके अंदर देना। डोर को लगा हुआ पल्ले को करके बंद करते हो, एंड आपको अगर कैमरा एक बार और चेक करवा दूँ कैसे गए ये स्क्रीन पे गए, ओए भाई साहब कैसे काम करती है, ऊपर नीचे काम करती है भाई, काफ़ी सही है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वगैरह देखने को मिलता है इसके, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अमेज़न एलेक्सा सब चीज़ है। कैमरा एक बार रियर व्यू चेक कराऊँ तो ये रियर व्यू कैमरा वैमरा देख लो, पिम पिम अभी वो आवाज़ इसलिए कर रहा है बिकॉज 3D के अंदर तो खुला ही हुआ है आपका, ये 2D है ऐसे करके, 3D क्यों नहीं ओपन होता, हाँ तो गया, ये देखो ना भाई क्या प्यारा लग रहा है भाई साहब, ये देखो क्या बढ़िया कैमरा है ना इसका, ये 3D है, जूम होता है क्या, नहीं, अगल बगल में लोग खड़े हैं, पूरी गाड़ी दिखा दी इसने कैसा कैसा बन रहा है, काफी बढ़िया काफी बढ़िया भाई, टाटा की स्क्रीन, इतना क्लियर कैमरा है भाई, एक नंबर है। तो भाई एक बार गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं, कैसे 63% चार्ज है इसके अंदर आपकी, प्रेस करा है, हाय क्या कमाल है, ये देख रहे हो पीछे लोग वो खड़े हुए ना पार्किंग ब्रेक इंगेज, मतलब पास खड़े हैं ना, वो कैमरा पूरा बता रहा है आपको, ऐसे करके बंद करता हूँ तो कैमरा यहाँ से बंद आपका। बाकी चीज़ पूरी मैंने आपको आगे से दिखा दी है, पार्क में गाड़ी खड़ी हुई है अभी आपकी, ऑटो वोटो सब चीज़ चेक करा दी, चलते हैं भाई एक बार बैक सीट पे क्या है, यानी यहाँ पे स्पीकर ग्रिल टाइप सा फील है, SOS के बटन यानी यहाँ पे आप देख रहे हो, लाइट वाइट के बटन तो सिंगल लाइट ही है, यहाँ पे क्या चीज़ है भाई, टेलीफोन के लिए कुछ है यहाँ पे, यानी इमरजेंसी का बटन है SOS को, इसको फिर मैं नहीं दबा रहा, तो बाकी चीज़ देख ली, चलते हैं एक बार बैक सीट पे कैसी क्या है, आ जाओ एक बार रियर सीट और चेक करा दूँ गाड़ी की। गाड़ी का जो फील है काफ़ी सही लगा मेरे को, इंटीरियर के फीचर्स से काफ़ी लोडेड है, 50 लाख टाटा की गाड़ी सेल हो चुकी है उसका ब्रांडिंग देखते हो, रियर डोर को ओपन करते हो तो डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है, यहाँ पे आप देखते हो पियानो के टचेस, दिस इज अ सॉफ्ट टच मटेरियल, हार्ड नहीं है, ये हार्ड है बट दिस इज सॉफ्ट टच, पियानो यहाँ तक पूरा आ रहा है, ऑटो डाउन वगैरह नहीं मिलती आपको इसके, विंडो अभी विंडो आपकी लॉक है आगे की तरफ से, अंदर एक बार बैठते हैं इसके अंदर, एयरबैग की ब्रांडिंग आपको सीट पर भी देखने मिलती है भाई, इन सीट पर कवर वगैरह मत चढ़वाना, मैं काफ़ी ढंग से बैठा हुआ हूँ, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा लैक कर रहा है बोर्ड से। यहाँ पे बात करते हो अब AC के वेंट, काफ़ी कूल बढ़िया लग रहे हैं, 45 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट USB-C के अंदर, ये जो आर्मरेस्ट है आपका एक बार इसके अंदर भी दिखा दूँ आपको, अंदर थोड़ी बहुत जगह देखने मिलती है इसके अंदर ऐसे, एंड मैग्नेटिक रबर डली हुई है आपकी, इसको अंदर डाल लो, ऐसे करके करते हैं बंद इसको ठीक है, डोर को लगाता हूँ एक बार ऐसे करके बंद, ऊपर आपको कोट हैंगर वगैरह देखने मिलता है, फील देख रहे हो गाड़ी का, एम्बियंस चेक कर रहे हो क्या कमाल की लग रही है, बढ़िया लग रही है, जीवल का स्पीकर वहाँ पर है आपका, बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने मिलता है विद द 2 कप होल्डर्स आते हैं ना इसमें ऐसे करके ओपन, हाँ 2 कप होल्डर आपके एयर है, बट क्वालिटी बहुत बेकार सी लगी मुझे, क्वालिटी और बेटर कर सकते थे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर 2 पैसेंजर, मिडिल पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा है आपको इसके अंदर पे। यहाँ की आप बात करते हो तो UC आपके स्कूप डाउट से देख रहे हो, रियर सीट के पीछे भी स्कूप डाउट कर सकते थे बट करा नहीं है, एंड आपको रियर सीट के पीछे पॉकेट नहीं है ना, इसके पीछे ना उसके पीछे, को ड्राइवर के पीछे पॉकेट आ सकती थी। स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, ये देखो भाई काफ़ी लोग देखने आ रहे हैं इस गाड़ी को, वाइबोर्ड से यार ये गाड़ी हिट प्रोडक्ट है बिकॉज जिस तरह से लोग इसको देख रहे हैं भाई, उतरने चढ़ने में थोड़ी सी मतलब वाइबोर्ड से सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट फॉर रेफरेंस है, चढ़ने उतरने में दिक्कत आपको फील नहीं होगी, अगर छोटी फैमिली है, इफ यू लुकिंग फॉर अ EV इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ये गाड़ी काफ़ी सही है, उस चीज़ों पर पूरी खरी उतरेगी। फ्रंट लुक एक बार और चेक कर लो, DRL वगैरह यही है, ये आपका इंडिकेटर है पूरा उसके, आप देखते हो नीचे की तरह हेडलैम्प देखने मिलता है, काफ़ी बढ़िया लगी गाड़ी मेरे को। आपको कैसा लगा ये रिव्यू ऑफ द टाटा नेक्सॉन EV टॉप मॉडल लॉन्ग रेंज, मिलते हैं भाई अगली वीडियो का, तब तक लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।